पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ाई कर रहे थे आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। मैंने एक पूरा वीडियो पिछले दिन बनाया था, और उससे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। मैं फिर से एक बार बोल दूं वीडियो के शुरुआत में ही कि यहाँ पर यदि आपको कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप एकदम बेझिझक पूछिए। और इसलिए मैंने दोनों से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी बनवाना शुरू कर दिया है। पहले वाले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड न्यूमेरिकल बनवाया था और वीडियो में दिखाया भी था बनाकर, और अब इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड। लेकिन फिर भी आपको अभी भी कहीं दिक्कत है तो आप अभी ही उसको क्लियर कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आगे जो पॉइंट्स आएंगे आने चैप्टर के आगे के एपिसोड्स में, आगे के वीडियोस में, तो वहाँ आपको परेशानी आपकी बढ़ सकती है। तो इसलिए मैं कहूँगा कुछ चैप्टर्स हैं जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, इसमें आपको हर दिन जुड़े रहना है, हर दिन का वीडियो अच्छे से देखना है, समझना है, और कहीं भी दिक्कत हो तो पूछना है। पूछने के लिए तो मैंने कभी मना ही नहीं किया, जितनी बार दिक्कत हो आप पूछें, ठीक है। और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको आसान से आसान भाषा में पूरी बात को समझा डालो और प्रैक्टिस भी करवा दो। इसलिए वीडियो में आपको मैं थ्योरेटिकल बात तो करता ही हूँ, साथ में क्वेश्चंस भी देता हूँ। ये तो ही बात, अब शुरू करते हैं। कल जो मैंने दो क्वेश्चंस दिए थे आपको बनाने के लिए, उन दोनों क्वेश्चंस का आंसर्स क्या होगा, और उसके बाद देखते हैं क्या पॉइंट आज पढ़ाई होती है उसके बाद। तो पहला क्वेश्चन हम लोग लिखे थे कल, मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पर, जिन जो लोग का छूट गया था वो लोग एक बार फिर से लिख लेंगे। एन इलेक्ट्रिक बल्ब यूजेस 2 माइक्रो, इसको मैंने बताया था कल, इसको क्या पढ़ते हैं आप लोग 9th में पढ़े होंगे, माइक्रो, 2 माइक्रो एम्पियर करंट फॉर 10 मिनट्स। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग ड्यूरिंग दिस टाइम। आपको बताना है, कल मैंने चित्र भी बताया था कि एक बल्ब है ऐसे, और इनसे जो है 2 माइक्रो एम्पियर करंट जा रहा है, और वो करंट अभी कितने देर के लिए ऑपरेट किया गया है, 20 मिनट के लिए, और आपको क्या बताना है चार्ज कितना होगा। यानी हम लोग अब यहाँ पर लिखे कि क्या क्या दिया हुआ। सबसे पहला हम लोग को दिया हुआ क्वेश्चन में है, सोल्यूशन में कर रहा हूँ, आप लोग भी एग्जाम में ऐसे ही बनाइएगा। गिवन इलेक्ट्रिक करंट, सॉल्यूशन में ऊपर में लिखेंगे गिवन इलेक्ट्रिक, एक मैं बताता हूँ आगे चल के मैं फ्लो में बनाता चला जाऊंगा, बस आपको देख लेना कि एग्जाम में हमें कैसे स्टेटमेंट यूज करना है। इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू 2 माइक्रो एम्पियर बराबर 2 × 10⁻⁶ एम्पियर। माइक्रो कितना होता है, 10⁻⁶। जो लोग नहीं जानते थे वो लोग जान जाए, और जो जान रहे हैं उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है। 2 × 10⁻⁶। उसके बाद टाइम, ठीक है, टाइम टी कितना दिया हुआ है, 10 मिनट। देख लीजिएगा आप लोग, हाँ 10 मिनट ही था टाइम, 10 मिनट्स। मिनट को कैची में चेंज करना होगा, आप लोग को याद था, क्योंकि एसआई यूनिट में ये क्वेश्चन बनेगा, एसआई सिस्टम में बनेगा। इसलिए टाइम का एसआई सिस्टम क्या होता है, सेकेंड, तो 10 × सेकेंड, एक मिनट में कितना सेकेंड, 60 सेकेंड, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 600 सेकेंड। तो टाइम भी मिल गया, करंट भी मिल गया। अब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, वी नो दैट I इक्वल टू क्यू बाई टी। आई बराबर क्या होता है, आई यानी करंट बराबर चार्ज बाई टाइम। बट वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट, वी हैव टू फाइंड आउट चार्ज। Q
चार्ज फ्रॉम, वी हैव टू फाइंड आउट क्यू, ऐसे आप लिखेंगे एग्जाम में। यहाँ छूट गया मेरा, यहाँ लिखेंगे चार्ज क्यू इक्वल टू व्हाट। तो हमारे पास उससे रिलेटेड फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है आई इक्वल टू क्यू बाई टी। पिछले ही क्लास में मैंने बताया था करेंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम, तो क्यू बाई टी। लेकिन हम लोग को आई नहीं निकालना है, हम लोग को क्या निकालना है, क्यू निकालना। तो आप बताइए इस फॉर्मूला से क्यू क्या हो जाएगा, क्यू बराबर आई टी। आई आपका कितना है, 2 × 10⁻⁶ एम्पियर इंटू ये कितना है 600 सेकेंड। तो आप 2 × 6 कर दीजिए तो हो जाएगा 12 × यहाँ पर 10⁻⁷ क्या है 2 है, 10⁻⁷ कितना है 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐड होगा 10⁻⁴ एम्पियर लिख सकते हैं, ठीक है। और यदि और भी आपको इच्छा हो तो बहुत लोग क्या करते हैं, इसको साइंटिफिक लिखना चाहते हैं तो यहाँ डेसिमल डालेंगे, यानी कि यदि 12 को 1.2 बनाना है तो इसको 10 से डिवाइड करना होगा। अभी 10 से डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर एक और 10 मिल जाएगा, तो 10⁻⁵ एम्पियर नहीं सॉरी कूलम। इस स्टेज पर भी छोड़ सकते हैं ये स्टेज, लेकिन ये स्टेज सबसे अच्छा है ये सेकेंड वाला, बिकॉज इट इज साइंटिफिक मेथड ऑफ राइटिंग ए यूनिट, तो इसका इस्तेमाल हम लोग कोशिश करेंगे करने। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, करंट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, हम लोग को आई निकालना था तो आई बराबर क्यू बाई टी, लेकिन हम लोग को क्यू निकालना है तो क्यू इक्वल टू आई टी वैल्यू पुट किए, उसके बाद हम लोगों ने इसको साइंटिफिक यूनिट में ले आया और इस तरह से ये क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, तो सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको दिया था हाउ मच करंट फ्लो थ्रू अ बल्ब इफ ईच कूलम ऑफ चार्ज टेक्स 5 सेकेंड टू फ्लो। आज का क्वेश्चन है कि हाउ मच करंट फ्लो थ्रू अ बल्ब इफ ईच कूलम ऑफ चार्ज, तो चार्ज यानी कि क्यू कितना दिया हुआ, ईच कूलम का मतलब मैंने कल ही बताया होगा 1 कूलम, तो चार्ज क्वेश्चन में दिया हुआ 1 कूलम। टेक्स टाइम कितना दिया हुआ बताइए आप, 5 सेकेंड, और क्वेश्चन में निकालना क्या है हाउ मच करंट, तो करंट आई इक्वल टू क्या होता है क्यू बाई क्यू, क्यू है हमारा 1 कूलम बटा हो गया ये 5 सेकेंड, 1/5 कीजिएगा 0.2 एम्पियर, तो ये हो जाएगा आपका 0.2 एम्पियर आंसर। इस ढंग से हम लोगों ने जाना कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे उसका न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं। अब है एक लास्ट टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे जो वो है हाउ टू गेट अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट। हम लोग को कहीं भी किसी भी सेक्टर में यदि कंटिन्यूअस करंट चाहिए, क्या चाहिए हम लोग को, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चाहिए, तो मैंने बताया था आपको आगे फॉर्मूला आएगा ओम्स लॉ, तो वहाँ तो अभी वहाँ तक हम लोग नहीं गए हैं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ कि ओम्स लॉ हम लोग को स्टेट करेगा कि वी यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी यदि करंट रहेगा तो वोल्टेज रहेगा तो करंट रहेगा। तो सिर्फ अभी हम लोग तो पढ़े नहीं है वो लॉ, तो हम लोग के दिमाग में क्या आएगा,
हमारे दिमाग में ये आएगा कि अरे हमको डायरेक्ट करंट चाहिए हमेशा के लिए, तो हम लोग क्यों ना कोई एक ऐसा तरीका अपनाए कि पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करें। तो टू गेट कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट वी हैव टू मेंटेन, क्या मेंटेन करना होगा, वी हैव टू मेंटेन अ कंटिन्यूअस पोटेंशियल डिफरेंस, क्या मेंटेन करना होगा, कंटिन्यूअस पोटेंशियल डिफरेंस। और सिंपलेस्ट वे, इसका सिंपलेस्ट वे क्या है, सिंपलेस्ट वे टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस इज टू कनेक्ट द टर्मिनल्स ऑफ वायर विथ अ सेल और बैटरी। छोटे लेवल पे भी हम कर रहे हैं तो हम सेल या बैटरी के टर्मिनल से उनके टर्मिनल्स को जोड़ देंगे तो एक कंटिन्यूअस पोटेंशियल डिफरेंस बना रहेगा और वो वर्क करता रहेगा। इसका सबसे छोटा सा एग्जांपल हम लोग ले लें कि जब भी हम लोग बैटरी से कोई चीज़ को कनेक्ट करते हैं और उसको ऑन कर देते हैं, जैसे घड़ी आप बैटरी लगा दिए वो चलता रहता है कि वो उसको कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देते रहते हैं, ठीक है। और उसके लिए वो क्या करता है, अपने आप में एक पोटेंशियल डिफरेंस रखता है। हर एक बैटरी में एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। छोटा वाला जो बैटरी आप इस्तेमाल करते हैं वो छोटा वाला ऐसा जो रहता है आगे ऐसा निकला रहेगा और पीछे ऐसे डिजाइन में चिपटा रहेगा, ठीक है। तो ये वाला जो सेल होता है इसकी पोटेंशियल डिफरेंस होती है 1.5 वोल्ट, यानी प्लस से माइनस चार्ज को जाने में जो वर्क डन करना पड़ा होगा 1 कूलम